साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम आपको गणित पढ़ाने के साथ साथ बीच बीच में पर्सनालिटी के सवाल पर बात करते रहते हैं। हमारा मानना है कि सफल इंसान होने के लिए एक अच्छा इंसान होना आवश्यक है, और अच्छा इंसान होने के लिए आपकी सोच का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। आपकी सोच कैसे अच्छी बन सके, इसके लिए बीच बीच में तमाम प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगें, समझ में आए, तो आपसे अनुरोध है कि सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारी बातें कैसी लगी। आज बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही प्रेरक कहानी आपके बीच लेकर हम आए हैं, और जो आपकी सोच को बदलने का काम करेगी। साथियों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि दूसरों के विषय में लोग कम अच्छा सोच पाते हैं, इसकी वजह से खुद भी परेशान रहते हैं। ऐसी एक कहानी है साथियों। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ नगर वासियों का हाल चाल लेने के लिए घोड़े से सवार होकर निकले। राजा कुछ दूर बढ़े थे, एक बाजार से होकर गुजर रहे थे, तभी एक दुकान के सामने राजा यकायक रुक गए। जाहिर सी बात, उनके मंत्री भी रुक गए। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि सामने वाले दुकान के दुकानदार को फांसी देना, आने वाले कल। यह कहकर राजा आगे बढ़ गए, मंत्री को कुछ सवाल करने का मौका नहीं मिल पाया। मंत्री उनके साथ आगे चले गए। राजा और मंत्री की इस बात को वह दुकानदार नहीं सुन पाया। जब शाम को वापस राजा और मंत्री लौटे राजमहल, उस रात मंत्री को नींद नहीं आई। मंत्री रात भर परेशान रहे, इस बात को लेकर के परेशान रहे कि राजा ने आखिरकार अकारण अनावश्यक उस दुकानदार को फांसी देने का निर्णय क्यों लिया। सोचते सोचते मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्यों ना एक बार दुकानदार से मिला जाए। अगले दिन मंत्री भेष बदलकर एक साधारण नागरिक के वेशभूषा में उस दुकानदार के पास गए। मंत्री दुकानदार के पास बैठे और दुकानदार से हाल चाल पूछा कि भाई ये बताओ, तुम्हारी दुकान कैसे चल रही है आजकल, तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है। दुकानदार ने बड़े दुखी मन से उत्तर दिया कि भाई सब क्या बताएं, आजकल दुकान सही से नहीं चल रही, बिक्री नहीं होती, ग्राहक तो आते हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। उसने बताया कि लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियां देखते हैं, सूंघते हैं, तारीफ भी करते हैं, लकड़ियां बहुत अच्छी हैं, मोल भाव करते हैं, लेकिन लेते नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि बिक्री हो पाए, इस वजह से वह परेशान रहता है। बातचीत होती रही। बातचीत के क्रम में दुकानदार ने कहा कि अब एक ही उम्मीद लगती है मुझे, आने वाले कल में जिस दिन राजा मरेगा, उस दिन हमारी ढेर सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाएंगी, क्योंकि राजमहल के नजदीक
चंदन की लकड़ियों का एकमात्र दुकानदार मैं ही हूं। तो जाहिर सी बात है, राजा के दाह संस्कार के लिए मेरे ही दुकान से लकड़ियां खरीदी जाएंगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, रात दिन मनाते हैं, चाहते हैं कि राजा जल्दी मर जाए, तो हमारी लकड़ियां जल्दी बिक जाएं और हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं, हम संपन्न हो जाएं, तरक्की करें। दुकानदार की यह बात सुनकर मंत्री को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। मंत्री को अब समझ में आ गया था कि आखिरकार राजा उसी के दुकान के सामने क्यों रुके और यकायक उन्होंने क्यों निर्णय लिया कि इस दुकानदार को फांसी देना चाहिए। इसलिए कि उस दुकानदार के दिमाग में राजा के प्रति बहुत ही नकारात्मक और गंदे विचार थे, और दुकानदार के उन नकारात्मक विचारों की तरंगें राजा तक पहुंची और राजा ने उसकी प्रतिक्रिया में यह निर्णय लिया। फिलहाल मंत्री समझदार थे, मंत्री ने राजा के निर्णय के विषय में दुकानदार को बिल्कुल नहीं बताया, बल्कि मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदा। दुकानदार को बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक मिला था, दुकानदार बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उन लकड़ियों को पैक करके मंत्री को दिया। मंत्री ने दुकानदार को पैसे दिए और उसके बाद मंत्री सीधे राजमहल की ओर चल पड़े। मंत्री राजमहल पहुंचे और सीधे राजदरबार में गए। उन्होंने राजा को चंदन की लकड़ियां भेंट की और बताया कि राजन, आज मैं फिर नगर में उसी तरफ गया था जिधर कल गए थे। मैं उस दुकान के सामने से होकर गुजर रहा था, वापस लौटते समय हमारी दुकानदार से बातचीत हुई, परिचय हुआ, तो दुकानदार ने मुझे आपके लिए यह भेंट के रूप में चंदन की लकड़ियां भेजा, उपहार के रूप में भेंट करने के लिए कि मेरी तरफ से राजन को ये चंदन की लकड़ियां भेंट कीजिएगा, उनको अच्छी लगी। राजा ने चंदन की लकड़ियां लिया, रखा। अब राजा को अपने निर्णय पर बड़ा अफसोस हुआ कि दुकानदार तो भला आदमी था, हम अनावश्यक उसके विषय में इतना गलत निर्णय ले लिए। अच्छा हुआ कि आज मंत्री उधर से गुजरे और ऐसा हुआ, नहीं तो आने वाले कल में उसको फांसी दे दी जाती, बड़ा अनर्थ हो जाता। राजा को अपने उस निर्णय पर, अपनी उस सोच पर, अपने उस विचार पर बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। राजा ने बदले में मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के, धन दौलत भिजवा दिया, उस गरीब दुकानदार को ले जाकर के दे दो, वो तो अच्छा आदमी है, उसके विषय में हम गलत सोच बैठे। खैर, मंत्री ले आकर के राजा की तरफ से दिए गए सोने चांदी धन दौलत यह सब कुछ दुकानदार को दिए। दुकानदार बहुत प्रसन्न हुआ, अब वो राजा की तारीफ करने लगा, बड़ी प्रशंसा करने लगा, राजा का गुणगान करने लगा कि राजा तो बड़े अच्छे आदमी हैं, हम उनके विषय में अनावश्यक गलत विचार रखते थे। साथियों, इस कहानी से जो निष्कर्ष निकलता है कि हम दूसरों के विषय में जैसा सोचते हैं, निश्चित रूप से हमारे विचारों की तरंगें लोगों तक पहुंचती हैं और रिएक्शन में वैसा ही हमें वापस मिलता है। हम दूसरों के विषय में अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार रखते हैं,
तो लोग भी हमारे विषय में अच्छे विचार रखते हैं, और जब हम दूसरों के विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं तो लोग भी हमारे विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि हमेशा दूसरों के विषय में अच्छा विचार रखें, अच्छा सोचें, निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा होगा। नकारात्मक विचारों से बचें, किसी भी व्यक्ति के विषय में, किसी जात के विषय में, किसी धर्म के विषय में हमेशा अच्छा विचार रखें, तो निश्चित रूप से आपके साथ जीवन में अच्छा होगा, आप कामयाब होंगे। तो साथियों, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, जीवन में कामयाब होंगे, आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।